कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जनता इस महंगाई से त्रस्त है, जबकि भाजपा के हुक्मरानों के ऊपर इसकी लेश मात्र भी शिकन नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराइए और महंगाई पर विजय पाइए। आप एक व्यक्ति को 500 रुपए दीजिए और गिनाइए कि हमने 1,00,000 को 500 रुपए दिए। एक व्यक्ति के घर में जाके भोजन खाइए और गिनाइए कि हमने पूरे देश के दलितों का आभार व्यक्त कर दिया। इस तरह की जो राजनीति हो रही है, और अभी सबसे महत्वपूर्ण जिससे देश जूझ रहा है आज की तारीख में, महंगाई, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा जिस कोविड के कारण हम और आप सब त्रस्त हुए, उससे पहले की नोटबंदी, जीएसटी का भार, बेरोजगारी का स्तर, आप सबको पता है, लोग भूल जाते हैं। और इसी मंशा से बीजेपी एक के बाद दो के बाद तीसरा चुनाव जीतती रही कि उनकी सोच यही है कि 6 महीना लोग मेरे वादों को याद करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे और हम उनको डाइवर्ट कर देंगे। 2 करोड़ नौकरी की बात, 15 लाख आने की बात, काला धन वापसी की बात, एनपीए की बात, आपका करप्शन घटाने ख़त्म करने की बात, टेररिज्म ख़त्म करने की बात, अगर हम सिलसिलेवारी याद करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है लाखों वादे हैं जो एक के बाद एक वादे होते रहे। आप उत्तर प्रदेश में ही अगर ले लें, चाहे गन्ना किसानों की बात हो, किसानों की MSP को डबल करने की बात हो, उनकी स्थिति को सुधारने की बात हो, महिलाओं की स्थिति को सुधारने की बात हो, युवाओं की स्थिति को सुधारने की बात हो, अफसोस है ये सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं और लोग गुमराह हो जाते हैं। तो हम लोगों का एक मिशन है कांग्रेस का, जो हमेशा से ही करती आई है, कि ये राजनीति होती रहेगी, प्रचार होता रहेगा, लेकिन अगर देश बचाना है तो उन जो असली मुद्दे, गंभीर मुद्दे हैं, उस पर हम लोगों को बार बार याद दिलाना ही पड़ेगा। ये कहते थे कि जनता का नमक खाया है और नमक का कर चुकाना है, तो नमक का कर चुका है उन्होंने। नमक कैसे केजी है? मेरे ख्याल आप 50 रुपये है, 100 रुपये है, हमारे टाइम पे 10 रुपये था। अब एक वो जो डी वाला होता है, आयोडीन नमक होता है, स्पेशल नमक का है, 60 रुपये भी है, 40 रुपये भी है, 50 रुपये भी है, हमारे टाइम पे 10 रुपये का टाटा नमक हम लोग को मिलता था। तो हम लोगों ने नमक का कर्ज नहीं चुकाया था, मोदी साहब ने नमक का कर्ज चुकाया है, लोगों का नहीं चुकाया है, क्योंकि उनके शब्दों में बहुत छल होता है, आप समझ नहीं पाते हैं। उन्होंने बोला नमक का कर्ज चुकाऊंगा, जनता का कर्ज नहीं चुकाऊंगा, तो नमक का कर्ज चुका दिया, पूंजीपतियों का कर्ज चुका दिया। सालाना अगर 10,000 किसी को गैस सिलेंडर उसकी खपत है, और आपने उस कंपनी को कह दिया कि अब आपको 1 करोड़ लोग मिलेंगे जिनको आप अपना गैस सिलेंडर बेचेंगे और 1600 में बेचेंगे, और जो 5,000-6,000 रुपये लगते हैं, जो आपका घाटा है वो सरकारी खजाने से मिलेगा, और वो सरकारी खजाना क्या मोदी साहब और योगी साहब के पॉकेट का है क्या?